नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर में जहां अलग अलग राजनीतिक पार्टियों यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, तो वहीं इस मामले में अब आम आदमी पार्टी भी अब पीछे नहीं रही। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर गोंडा जिले में आम आदमी पार्टी ने अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष दिग्गज पांडे ने आरोप लगाया कि सरकार की साजिश के चलते कोर्ट का ऐसा फैसला आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछड़ों को हक दिलाकर रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया गया तो उनकी पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी कभी ओबीसी की विरोधी नहीं रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी हमारे ओबीसी से आते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी भी ओबीसी से आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी ओबीसी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ओबीसी का विरोध नहीं की है। ये जो छोटे छोटे अपने दल हैं, हमारे विरोधी दल हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी है। इन 14 से लेकर के अभी तक जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में मुंह की खाए हैं।